दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है। इसमें देखिए, ये सर्किट यूज किया गया है, माइक्रो कंट्रोल सर्किट है, लेकिन ये सर्किट काफी बुरी तरह से जल गया है, बस्ट हो गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको इस सर्किट को रिपेयर करके बताएंगे, चला के बताएंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सर्किट को पहले अच्छे से देखिए। इसमें ये इसके डायोड जले हुए हैं और डायोड जो जले हुए हैं, ये पोर्शन इसका इनपुट एरिया है, यानी जो हमारी मेन ट्रांसफार्मर से इनपुट सप्लाई आती है वो यहाँ पर आती है। देखिए, नीचे से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी इनपुट सप्लाई आती है इन दो पॉइंट्स पर, और यहीं पर ये डायोड हमारे कनेक्टेड हैं। तो सीधी बात है, इसमें हाई वोल्टेज वगैरह आए होंगे या फिर किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिसकी वजह से ये डायोड हमारे खराब हुए हैं, जले हैं। तो सबसे पहले हम डायोड्स को निकालकर चेंज कर देंगे यहाँ। तो पहले ही अच्छे से साफ कर लेंगे, उसके बाद इसमें डायोड वगैरह लगाकर उसके बाद इसे चेक करेंगे, देखेंगे इसमें केवल डायोड खराब है या फिर आगे भी कुछ और फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसके डायोड चेंज करते हैं। देखिए, अभी डायोड लगाने का तरीका भी समझ लीजिए। हमें यहाँ पर दो डायोड लगाने हैं। लीजिए कैसे, ये जो प्रिंट आ रहा है, जो प्रिंट जला हुआ है, ये प्रिंट देखिए यहाँ से ये कॉमन पर आ रहा है। जो सभी रिले होती है, सबकी कॉमन पॉइंट रहता है, वहां पर ये प्रिंट आ रहा है। तो सीधी बात है, ये पॉजिटिव रहता है, बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं रिले के, सब पर नेगेटिव सप्लाई आती है, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हमारा डायोड का पॉजिटिव आएगा। और इसका एक दूसरा तरीका ये भी है, ये देखिए, ये जो प्रिंट जा रहा है, ये जो कंडेंसर पर आ रहा है, कंडेंसर का यहाँ पर पॉजिटिव वाला सिरा दे रखा है। तो सीधी बात है, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आएगी। तो इस तरह से हमें डायोड लगाते समय इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसमें हम डायोड लगाते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद इसे सर्किट को लगाकर चेक करते हैं। देखिए, सोल्डरिंग करते समय हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जितने भी प्रिंट है सब अच्छे से कनेक्ट हो जाए। जैसे ये प्रिंट यहाँ से टूटा हुआ है, तो हमें प्रिंट अच्छे से जोड़ देना है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। क्योंकि अगर प्रिंट सही से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर सर्किट हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसे सोल्डरिंग करते हैं। दोस्तों, इस तरह से देखिए, हमने ये डायोड वगैरह इसमें लगा दिए हैं। अब इस सर्किट को इंस्टॉल करते हैं स्टेबलाइजर में, उसके बाद इसे चेक करके देखते हैं कि हमारे केवल डायोड खराब थे या आगे भी कोई फॉल्ट है। ये सब हमें तभी मालूम पड़ेगा जब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे। देखिए, इस किट के सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं, अब वक्त है इसे चेक करने का। तो इसे चेक करते हैं। इससे पहले हम ऑन करेंगे, ये देखिए, इसे हमने ऑन कर दिया। डिमर से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा, ये आउटपुट हमारा अभी नहीं निकाल रहा है, मीटर हमारा आउटपुट पर लगा हुआ है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए, इस किट में टाइमर का सिस्टम होता है, तो ये कम से कम आधे मिनट से लेकर एक मिनट का टाइम रहता है आउटपुट निकालने में। अगर हमें जल्दी स्टार्ट करना है तो देखिए, ये रिसेट स्विच का रहता है। तो इस जैक को हम दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, ये देखिए, इससे टाइमर हमारा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, रिसेट के लिए जैक रहता है। अब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ये देखिए,
ये किट हमारी बिल्कुल सही से काम कर रही है। 200-250 वोल्ट के बीच में हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट निकाल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें केवल ये डायोड ही जले हुए थे, बाकी सर्किट हमारा बिल्कुल सही था। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हमें जो चीज़ पहले फॉल्टेड दिखाई पड़े, बहुत सारे पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा होता है कि जैसे जले हुए दिखाई पड़ जाते हैं या फिर टूटे हुए दिखाई पड़ जाते हैं, पहले हमें उन्हें ही चेंज करना चाहिए, उसके बाद जो होता है फिर आगे की टेस्टिंग होती है। लेकिन फिलहाल इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।